जी खान से आपको अपडेट करेंगे। आतिफ अली देरेशे की पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और मेंबरशिप मुअत्तल करने का मामला पेश आया है। पीपी 292 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार आतिफ अली देरेशे ने पीटीआई से 1-2 रोज का टाइम मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान से खबर है। आपको एक दफा फिर बताते चले, आतिफ अली देरेशे की पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और मेंबरशिप मुअत्तल करने का मामला पेश आया है। पीपी 292 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार आतिफ अली निरीक्षक ने पीटीआई से 1-2 रोज का टाइम मांग लिया है। आपको यहां पे बता रहे हैं, डीजी खान से खबर है, जहां पे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी आतिफ अली निरीक्षक की मेंबरशिप मुअत्तल करने का मामला। पीपी 292 आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार आतिफ अली निरीक्षक ने पीटीआई से टाइम मांग लिया है। नोटिफिकेशन जनूबी पंजाब के सदर इसाक आकवानी ने जारी किया है। आतिफ अली निरीक्षक ने मामलात को 1-2 रोज में हल करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। आतिफ अली निरीक्षक पीटीआई टिकट होल्डर सरदार मकसूद खान लगारी के मुकाबले पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुजश्ता दिनों आतिफ अली निरीक्षक को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और मेंबरशिप से फारिग कर दिया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशवाक से। जी आशिर, आशिर से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी खान से आपको एक दफा फिर बताते चलें, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी आतिफ अली खान निरीक्षक के मेंबरशिप मुअत्तल करने का मामला पेश आया है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे आशिर इशवाक से। जी आशिर जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ अली निरीक्षक पीपी 292 के इंतखाबात के लिए उन्होंने आजाद इलेक्शन से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर इसाक खाकवानी की जनरल पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है उससे फारिग कर दिया गया था और मेंबरशिप से भी उनको फारिग कर दिया गया था, जिसके ऊपर आतिफ अली निरीक्षक ने दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ने के ऊपर टाइम मांग लिया है, जिसके ऊपर उनकी इसहाक खाकवानी की जानब से दोबारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार आतिफ अली निरीक्षक जो है उनका यही कहना है कि वो इंतखाबात के सिलसिले में अपने जो दोस्त हैं उनसे मुशावरत करेंगे, उसके बाद जो है वो फैसला करेंगे। उन्होंने पीपी 292 में इंतखाबात करेंगे। बहुत शुक्रिया आशिर इशवाक, आपने हमें टीजी खान से अपडेट किया।